अब लॉस सैंटोस मेरे ही कब्जे में होने वाला है, क्योंकि थानोस की नज़र अब लॉस सैंटोस पर है। कलभूषण तुम भी सुनो और ग्रॉडी तुम भी सुनो, तुम दोनों मेरे साथ रहे ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अगर मैं मुसीबत में हूँ तो तुम लोगों ने मुझे छुड़ाने के लिए लाजमी आना लॉस सैंटोस के अंदर। काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ लॉस सैंटोस के अंदर अवेंजर्स टीम का राज है, अवेंजर्स टीम काफ़ी दिनों से राज कर रही है लॉस सैंटोस के अंदर। अवेंजर्स टीम को अब हराना और अवेंजर्स टीम को ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं कि अवेंजर्स टीम कभी भी ज़िंदगी में लॉस सैंटोस की तरफ नहीं आएगी। अब हम लोगों का प्लान ये है कि तुम दोनों ने मिलकर ये करना है, अगर मुझे कोई मुसीबत आ जाए तो तुम लोगों ने छुड़ाने के लिए आना है। अरे बॉस, मैं आपके लिए अपनी जान भी देने के लिए हाज़िर हूँ, आप कुछ तो बोले, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप अकेले मत जाएं हो सकता है अवेंजर्स टीम आप पर भारी पड़े। और थानोस तुम मुझे ले जाओ, हो सकता है मैं तुम्हारे काम आ सकूँ, क्योंकि मेरा नाम भी एक दामना लावा कम्युनिटी बॉस है और मुझे आप ग्रोटी कहते हो। ग्रोटी आपके साथ जाएगा तो अवेंजर्स टीम डर जाएगी, मुझे जाने दें आप अपने साथ ताकि लावा कम्युनिटी एक दफ़ा फिर से ज़िंदा हो जाए और थानोस का नाम भी रोशन हो जाए लॉस सैंटोस के अंदर। और मुझे अपनी आंखों से भी तबाही देखनी है कि ये तबाही कैसे होगी। नहीं, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जाऊंगा लॉस सैंटोस को तबाह बर्बाद करूंगा, अकेला थानोस ही काफ़ी है लॉस सैंटोस को तबाह बर्बाद करने के लिए। तुम दोनों यहीं पर रुको और मुसीबत के वक्त मेरे पास आना, जब देखो कि थानोस आया नहीं है तो तुम लोग मुझे छुड़ाने के लिए आ सकते हो। अभी मैं जल्दी से जाता हूँ, हमारा मिशन यही है लॉस सैंटोस पर कब्ज़ा करना और लॉस सैंटोस को अपना ग़ुलाम बनाना। थानोस अब नहीं छोड़ेगा किसी को। अब अपने कदम थानोस लॉस सैंटोस पर रख कर ही अपना इंतकाम लेगा। थानोस आ चुका है लॉस सैंटोस के अंदर। ये लो तबाही मेरी, तबाही ही तबाही होगी, मज़ा आ जाएगा, सारी की सारी गाड़ियों को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये लो ये लो ये लो, अवेंजर्स टीम तुम लोगों को बचाने आती है कि नहीं, अगर आए भी तो मैं उन्हें मार डालूंगा क्योंकि मैं हूँ सबसे पावरफुल। अब अवेंजर्स टीम को मैं अकेले ही निपटा लूँगा, थानोस किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये लो नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को। अरे ये देखो, ये भाग कर जा रहा है, अरे किधर जा रहे हो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। देख लो तुम सारे के सारे लोग, सुन लो लॉस सैंटोस के रहने वाले, अब तुम लोगों को मेरा ग़ुलाम बनना ही पड़ेगा, अब तुम लोग मेरी ग़ुलामी करोगे वरना ऐसे ही मार डालूंगा मैं तुम लोगों को। और बता दो जाकर अवेंजर्स टीम को कि थानोस आ चुका है सबसे पावरफुल बनकर, इस दफ़ा लॉस सैंटोस को तबाह बर्बाद मैं ही करूँगा, मज़ा आ जाएगा ऐसी तबाही मचा कर। जे लो ये सारी की सारे गाड़ियाँ और ये सारे लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये लो ये लो ये लो, अब मज़ा आ गया मुझे। अरे फायर ब्रिगेडियर्स ये बचाने के लिए आए हैं, इन्हें इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता, ये उठाकर इन्हीं पर ही मैं फेंकूँगा, नहीं बचेंगे ये। ये लो तुम लोग बचाओगे, कोई भी जो बचाने आएगा लॉस सैंटोस को वो ऐसे ही मरेगा मेरे हाथों से, ऐसे ही देख लो तबाही। और बता दो तुम लोगों का राक्षस आ चुका है तुम लोगों का सबसे पावरफुल आका, और आज से तुम लोग मेरे गुलाम होगे। सारी की सारी अवेंजर्स टीम सुन लो, एक बहुत बुरी खबर है, लॉस सैंटोस के अंदर थानोस आ चुका है और थानोस का किसी ने माइंड रीड कर लिया है, अब थानोस उन्हीं के कब्जे में है। पहले तो थानोस हमारी बात सुनता था, हमारी टीम के अंदर आ गया था और एक अच्छा बन गया था इंसान, लेकिन अब वो इतना ही ज़्यादा ख़तरनाक बन चुका है कि पूरे लॉस सैंटोस को तबाह करने के चक्कर में है, और हमारी अवेंजर्स टीम को तोड़कर हमारी अवेंजर्स टीम की जगह खुद पावरफुल बनकर इस लॉस सैंटोस पर राज करने के लिए आया है। अब हमें किसी न किसी तरह करके उस थानोस को मारना पड़ेगा और उसके माइंड रीड को ख़त्म करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि ये सब कुछ किसने किया है, हमारी अवेंजर्स टीम में से कौन जाएगा। क्या तुम फ्रैंकलिन जाना पसंद करोगे? तुम जाओ जाकर थानोस को मार दो ताकि हमें भी पता लगे तुम इतने पावरफुल हो चुके हो कि अब हमारी एवेंजर्स टीम का हिस्सा हो तुम।
अरे अरे मैं अरे टोनी स्टार क्या कह रहे यार, मैं किधर जा सकता हूँ यार, थनोस तो इतना ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं इतने ज़्यादा, यार मेरे पास पावर्स कहाँ से हैं यार। लगता है आप थनोस ने यार मेरी ऐसी की तैसी करने वाला है, और ये टोनी स्टार्क भी ना मुझे यार थनोस के पास भेजने वाला है यार। हर दफ़ा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है टोनी स्टार्क, मैं तुम्हें बताता हूँ सिनचैन से बात करके। अभी सिनचैन यार मैं क्या करूं, अभी यार टोनी स्टार तो मुझे फंसाने के चक्कर में है, तुझे पता है ना यार थनोस एक दफा बिगड़ गया तो समझ ले फिर वो पूरे का पूरा तोड़ कर रख देगा। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं क्या करूं, आपकी तो वाट लगा दी है टोनी स्टार्क भैया ने। अरे टोनी स्टार्क भैया, फ्रैंकलिन भैया कह रही है कि वो जाने के लिए तैयार हैं। अभी यार सिनचैन अभी क्या कह रहे यार, मैंने कब कहा कि यार मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अभी यार लगते है अब सिनचैन ये सारे के सारे मिलकर ना यार मेरी, तो यार आप लोगों को पता है यार आगे हालत बिगड़ी हुई है यार, ये ओ टाइट करने के चक्कर में है मेरे को। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा फ्रैंकलिन ये सुनकर कि तुम जाने वाले हो थनोस को सबक सिखाने के लिए। मुझे प्राउड है तुम पर फ्रैंकलिन, और तुम ही ये कर सकते हो। टोनी स्टार्क भैया यार फ्रैंकलिन भैया ये ऐसा कर सकते हैं और कोई भी नहीं, देखना फ्रैंकलिन भैया की सही से वार्ड लगा दी मैंने, कही से आप लोगों को कैसा लगा यार। अबे फ्रैंकलिन अब तुम जाओ नीचे, मेरा आयरन मैन का सूट पड़ा होगा, वो सूट पहन लो, वो आर्मर तुम्हें थनोस से बचाएगा, वरना थनोस का तुम मुकाबला नहीं कर सकोगी और थनोस को तुम ही लेकर आओगे। अब सिनचैन यार मैं तुझे देख लूँगा, ये बदला मैं तेरे से वापस लूँगा। और टोनी स्टार्क को अब मैं क्या बोलूँ यार, टोनी स्टार्क जब भी मुझे देखता है ना यार वो मेरे पर ही हमला करने की कोशिश करता है कि पहले इसी को भेजूँ, उसके बाद पता है यार इतनी अवेंजर्स टीम पड़ी हुई है पावरफुल यार, हल्क के यार सुपरमैन स्पाइडरमैन है, खुद भी तो है, लेकिन यार मुझे क्यों भेजने के चक्कर में है। अरे फ्रैंकलिन तुम इतना क्या सोच रहे हो, जल्दी से जाओ लॉस सैंटोस को बचाओ अभी। हाँ हाँ यार टोनी स्टार्क मुझे सब कुछ पता है यार, ठीक है मैं जा रहा हूँ सिनचैन, ठीक है अगर जिंदा रहा तो वापस आऊँगा यार गाइज, आप लोगों से भी मिलूंगा। सो गाइज यार अब जाना ही पड़ेगा यार इस थनोस की ऐसी की तैसी करने के लिए। सो यार मैं कौन सा यार आर्मर चूज़ करूँ यार, इसके तो सारे के सारे आर्मर घटिया यार आयरन मैन के, एक तो सारे के सारे आर्मर को ना किसी टाइम रिपेयरिंग करता रहता है और यहाँ पर लगा कर रखे है। मुझे तो यार ये वाला ना सेकेंड वाला यार अच्छा लग रहा है, मैं यही पहन लेता हूँ। और थनोस को यार उसको सोचना पड़ेगा कि कैसे मारा जाए यार, उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स होगी, लेकिन पावर से नहीं उसे मुझे माइंड से हराना पड़ेगा। चलो अच्छा हुआ यहाँ पर तो मैंने आयरन मैन का सूट पहन लिया, अब मुझे जाना पड़ेगा बाय, जाकर ही मैं अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता हूँ। गाइज जब तक मैं अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता हूँ आप लोगों ने करना क्या है गाइज, बहुत सारे लोग तो समझ ही गए होंगे गाइज, यार सिंपल काम है गाइज, आप लोग जाओ और नीचे यार आप लोगों को एक आइकन नज़र आ रहा होगा यार लाइक का गाइज, दबा दो। और उसके साथ गाइज आप लोग देख सकते हो सब्सक्राइब भी है यार, खाली आप लोगों ने यार लाइक दबाने साथ सब्सक्राइब भी दबा दो गाइज जल्दी से। सो गाइज यार आप लोगों के ऐसे करने से देखो यार मेरी पावर्स भी आ चुकी हैं। सो गाइज यार अभी चलते हैं जहाँ पर यार गाइज थनोस है गाइज, और गाइज आज यार मैं थनोस का ना किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा गाइज। वैसे मुझे डर तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि गाइज यार हो सकता है थनोस यार मेरा किस्सा ख़त्म कर दे, लेकिन गाइज आप लोगों के पास आयरन मैन का सूट है। सो गाइज यार आयरन मैन के सूट में यार गाइज फिर से कोई ख़राबी ना की हो गाइज यार इस आयरन मैन ने, क्योंकि यार गाइज हर टाइम ना यार गाइज ये आयरन मैन अपने सूट की ना कुछ मॉडिफिकेशन करता ही रहता है। और गाइज फिलहाल तो ठीक ही जा रहा है गाइज, और आप लोग गाइज अभी यार लॉस सैंटोस में पहुँच कर ही ना गाइज यार थनोस को मारने की कोशिश करेंगे, या फिर गाइज उसको बेहोश करके ना यार गाइज आयरन मैन के मेंशन पर लाने की कोशिश करेंगे। सो गाइज यार यहाँ पर तो मैं पहुँच ही चुका हूँ, और गाइज ये लॉस सैंटोस का गाइज मार्केटिंग एरिया है गाइज आप लोग देख सकते हो। सो फाइनली यहाँ तक तो मुझे नज़र नहीं आ रहा थनोस कहीं पर भी, सो मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ नीचे, हो सकता है यहीं पर इधर किधर हो थनोस। ओह आयरन मैन खुद आया है मुझे मारने के लिए, अच्छा हुआ आयरन मैन, आज तुझे मैं मार कर अपने साथ ले जाऊंगा, और सारी की सारी अवेंजर्स टीम तेरे पीछे आएगी और फिर मज़ा आ जाएगा मुझे, अब तू मरेगा मेरे हाथों से। अरे ओ पागल थनोस यार मैं आयरन मैन नहीं हूँ, मेरा नाम फ्रैंकलिन है, तू मुझे जानता ही होगा। अरे फ्रैंकलिन है तो तू आयरन मैन का सूट क्यों पहन कर यहाँ पर आया है, आयरन मैन किधर है? अरे थनोस अब आयरन मैन को छोड़, अब मैं तुझे बताने वाला हूँ कि तुझे आयरन मैन के पास कैसे लेकर जाना है, तू खुद चलेगा या फिर तेरी पिटाई करके ना मैं सही से ना तुझे घसीट कर ले जाऊँ। अरे मेरी पिटाई, तेरा दिमाग खराब है, अब मैं तुझे बताता हूँ, तूने गुस्सा दिला दिया थनोस को, ये ले फ्रैंकलिन ये ले, अब तू नहीं बचेगा, ये ले, अब तू मेरे हाथों से मरने के लिए आया बेवकूफ, ये ले। अरे मैं क्या करूँ यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा मुझ पर हमले कर रहा है, अभी गाइज यार मुझे अब कुछ ना कुछ करना होगा यार इससे बचने के लिए, अभी गाइज यार ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पीट रहा है भाई साहब।
सो फाइनली यार गाइज अब मैं इसे बताता हूँ। अबे भाई साहब ये पीछे से भी हमला कर रहा है गाइज यार, अबे भाई साहब ये क्या कर रहा है गाइज। अब मैं इसे बताता हूँ गाइज, आयरन मैन के सूट का इस्तेमाल करना गाइज यार मुझे इतने अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन गाइज यार किसी न किसी तरह करके गाइज आप लोग देख सकते हो यार। अबे भाई साहब गाइज यार इतने दूर से यार इतनी खतरनाक पावर गाइज मेरे ऊपर फेंक रहा है गाइज। ओ भाई साहब अभी गाइज यार इसके पास जाना भी इतना ज़्यादा खतरनाक है गाइज, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ओ भाई साहब ये ले आयरन मैन, ये ले, तू आयरन मैन नहीं तू तो फेक आयरन मैन है, मज़ा आएगा तेरे को मारने में। अभी मैं क्या करूँ मुझे भागना पड़ेगा अभी यार, टोनी स्टार्क शिनचैन तुम लोगों का सत्यानाश हो गाइज यार इन लोगों ने यार गाइज। ओ भाई साहब गाइज मुझे मारने के लिए गाइज यार लगता है गाइज ये मुझसे तंग हुए बैठे हैं। सो गाइज यार कोई नहीं, अगर बच गया तो गाइज यार इनको ने ऐसी की तैसी मुझे करना अच्छे से आती है। सो गाइज यार पहले इससे तो जान छुड़ाऊँ गाइज यार, ये कितना ही ज़्यादा खतरनाक है। ये ले, हाँ ये ले फ्रैंकलिन, ये ले, हाँ तेरे पास भी इतनी पावर्स है लेकिन तू मेरी हाथों से मरेगा। अब मैं तुझे मार कर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और वहां पर तेरा इस्तेमाल करूंगा, फिर तू हमारे लिए काम करेगा। अभी क्या कह रहा है ये थनोस, लगता है पागल हो चुका है गाइज। अब असल वक्त आ चुका है गाइज यार, बहुत हुई यार गाइज मजाक गाइज, वैसे तो मैं भाग ही रहूँगी यार गाइज कब से इससे यार गाइज। आप लोग देख सकते हो यार ये मुझे यार अपने ऊपर हमला करने का मौका ही नहीं दे रहा गाइज। फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और गाइज अभी भाई साहब कहाँ पर है, अभी गाइज ये मेरे पीछे आ रहा है गाइज यार, मैं आगे आगे बागी चार हो गाइज ये मेरे पीछे आ रहा है। सो गाइज यार अब क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को गाइज, कोई खतरनाक वाली पावर्स को एक्टिवेट करते हैं गाइज। गाइज मैं इस पर कौन सी पावर्स का हमला करूँ कि गाइज यार ये एकदम से ना गाइज बेहोश हो जाए। आप लोग देख सकते हो कितने जोरदार हमले करी जा रहा हूँ लेकिन यार गाइज ये काबू में ही नहीं आ रहा मेरे। अबे थनोस अब तू नहीं बचने वाला, ये ले अभी ये तो काफी खतरनाक पावर्स है गाइज, सारे के सारे मेरी विंग्स खुल चुकी हैं और गाइज ये सारे के सारे इस पर हमला करे। ओ भाई साहब ये ले थनोस ये ले। अरे फ्रैंकलिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तूने मेरे को बहुत गुस्सा दिला दिया है, तूने मेरे इस पर हमले किए और मुझे जख्मी किया, अब मैं तुझे बताता हूँ अब तू नहीं बचेगा। ये ले ये ले ये ले। अबे मैं क्या करूँ गाइज यार, ये पुलिस वाले भी आ चुके हैं यहाँ पर गाइज, ये मेरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गाइज आप लोग देख सकते हो थनोस यहाँ से। अबे भाई साहब ये है, अबे यार इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। अब गाइज क्या करता हूँ गाइज, कोई ना कोई मुझे पावर्स ढूंढनी पड़ेगी गाइज जिसकी मदद से गाइज मैं इसे मार सकूँ। अबे भाई साहब ये अच्छी पावर्स है। ओ भाई साहब ये क्या हुआ। अबे गाइज आप लोग सोच ही रहे होगे कि उस टाइम क्या हुआ गाइज, गाइज उस टाइम का तो मुझे नहीं पता लेकिन किसी न किसी तरह गाइज यार मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ और टोनी स्टार तू देख सकता है मेरी क्या हालत होगी यार, इस थनोस ने तो मुझे पीट पीट कर गाइज यार क्या बना दिया। अबे यार छोटी छोटी जंगों में ऐसा होता ही रहता है फ्रैंकलिन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर काफी ज्यादा प्राउड है कि फ्रैंकलिन तुम इसे यहाँ पर ले आए। अबे यार ये तो सिर्फ प्राउड की बात कर ले, इसे नहीं पता कि मेरा क्या हालत हुई हुई है यहाँ पर। अरे यार मजा आ गई यार, फ्रैंकलिन भैया को सही से पीटा था ना उसने, देखो यार फ्रैंकलिन भैया की क्या हालत होगी यार, फ्रैंकलिन भैया से तो कड़ा भी नहीं होने हो रहा सही से ही। अरे वाह वाह, अरे मजा आ गया टोनी स्टार्क भैया यार आपने तो कमाल कर दिया यार। चलो अच्छा हुआ फ्रैंकलिन तुम इसे यहाँ पर ले आए, अब इसे माइंड रीड तो हम लोग कर चुके हैं और इसके माइंड में क्या था और ये क्या प्लान बना रहे थे वो सारे के सारे भी मुझे पता चल चुके हैं। ये प्लान बना रहे थे कि लॉस सैंटोस पर कब्जा करने चाहते हैं और इनका ग्रो भी इसे बचाने के लिए आ रहा होगा, उससे भी हम लोग काबू में कर लेंगे। हाँ सारी की सारी टीम एक ही दफ़ा काबू में हो जाएगी। और ये थनोस देखो कैसे मरा पड़ा हुआ है, अब इसकी सारी की सारी बॉडी से वो माइंड रीडिंग वाली पावर्स निकालनी पड़ेंगी ताकि हम लोग इसे दोबारा से सही थनोस बना सकें। We'll be right back.